आपकी होस्ट दोस्त प्रियंका आप सभी लोगों के बीच एक बार फिर से आ गई हूँ लेकर आपका स्पेशल प्रोग्राम। जी हाँ, आप लोगों के लिए मैं जो इस बार स्पेशल प्रोग्राम लेकर आई हूँ वो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ट्रेलर जजमेंटल है क्या से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इस फिल्म में आप सभी लोगों को बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा विवादों में घिरी रहने वाली एक्ट्रेस कंगना रनावत के बारे में है। साथ ही साथ इस फिल्म में आपको राजकुमार राव के साथ पहली बार कंगना स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगे। वैसे फिल्म का नाम बड़ा आइकॉनिक है, फिल्म की कहानी भी जाहिर सी बात है आइकॉनिक ही होगी, यानी कि कहानी बाकी लव स्टोरी और बाकी की अलग चीज़ों से हटकर है। वैसे तो कहा ऐसा जा रहा है कि इस फिल्म में सस्पेंस बहुत ज़्यादा होगा। इसी बीच देखा जाए तो हमने अगर रिसर्च किया बॉलीवुड के जो बीते फिल्में हैं उन पर अगर नज़र डाला मैंने, तो हमने देखा कि बहुत तमाम ऐसी फिल्में और भी हैं जो कि बॉलीवुड फिल्मों में और भी तमाम ऐसी फिल्में हैं जो कि सेम जिस तरीके से कंगना और राजकुमार राव अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं, ठीक उसी तरीके के साथ, उसी थ्रिलर के साथ, उसी सस्पेंस के साथ कई फिल्में आ गई हैं, जिनमें शाहरुख खान, सनी देओल, जूही चावला की फिल्म डर मौजूद है, जिसमें आमिर खान की फिल्म गजनी मौजूद है, जिसमें तापसी पन्नू की भी फिल्म, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इसमें तमाम ऐसी तरह की इससे पहले भी फिल्में आ गई हैं, लेकिन हाँ उनका रिजल्ट बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि उन फिल्मों की लिस्ट में और कितने ज़्यादा नाम हैं, कौन से स्टार उसमें शामिल हैं, और साथ ही साथ जजमेंटल है क्या को लेकर कंगना और बाकी के यानी राजकुमार राव और इस फिल्म की टीम को लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि भाई फिल्म रिलीज से पहले फिल्म के बारे में जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राज इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। इनफैक्ट मैंने सुना है कि जब राज पैदा हुए थे तो हॉस्पिटल में उनके मामा को कहा कि बेबी नहीं टैलेंट पैदा हुआ है। और इनफैक्ट जब राज पहली बार रोए थे तो उन्होंने 4 वेरिएशन दिए थे क्राइंग के, और जो जितने भी नर्सेस वगैरह थे वो आज भी ये कहानी याद करके सबको सुनाते हैं। अगर आप कभी किसी शादी में जाएं और जहां आपको राज मिले तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि ये दुल्हन के भाई हैं पक्का, क्योंकि जो इनका संस्कारी लुक है, मैंने इनफैक्ट ये सुना है कि अगर किसी लड़की को हे बे करके DM करें तो जो गूगल ऑटो करेक्ट है वो हे बहन खुद भेज देता है। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना रिजेक्शन राज को अपनी फिल्मों में मिलता है उतना शायद एक दिन कोई, मतलब एक दिन में एक ऑटो रिक्शा वाला जो कि हमेशा सवारियाँ पूछ रहता है जाना है आपको, जाना है आपको, जाना है आपको, उनको भी इतना रिजेक्शन नहीं मिलता एक दिन में। जैसे कि क्वीन में मैंने इनको रिजेक्ट किया, और फिर एक फिल्म है और एक फिल्म है ट्रैप, जहाँ पे उनके एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इनकी हर अपील को रिजेक्ट कर देते हैं। इनफैक्ट इनकी जो 100 करोड़ अबव कि जो मेगा हिट है उनमें एक चुड़ैल इनको रिजेक्ट कर देती है। वैसे मुझे लगता है कि राज इज हैविंग द मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, बिकॉज ही हैजंट, आई मीन आई माइट बी द क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी, बट आई थिंक रिमोटली इंटरेस्टिंग अगर इनकी लाइफ में कुछ हुआ हो तो ये रोस्ट है अभी इस टाइम पे। बडी आई वी गॉट ओवर इट। रुको रुको रुको, खत्म नहीं हुआ अभी। ओके, सो लाइक आई सेड कि आई माइट बी द क्वीन ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी, मगर राज जो है ये किंग ऑफ वनीला है। जैसा कि हमारी फिल्म में हमने इनको डिस्क्राइब किया है कि नॉर्मल जॉब, नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल वाइफ, कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल है। इनकी फेवरेट आइसक्रीम भी वनीला है। थैंक यू कंगना, आई थिंक तो सुपर्ब है। थैंक यू, इतनी अटेंशन एक्चुअली मुझे कभी नहीं मिली। और कंगना किसी के बारे में बोल रही है, मतलब कुछ तो बात होगी उस इंसान में। जैसे कंगना तो आप सब जानती हैं, मतलब शी इज़ ऑफ कोर्स, आई डोंट हैव टू से, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव इन दिस कंट्री, सो आई थिंक दैट वी हैव टू गिव टू कंगना रनौत मैन। और कंगना के बारे में ये भी सबको पता है कि वो कभी भी लाइफ में स्क्रिप्ट पढ़े बिना जो है फिल्म को हाँ नहीं करती हैं। शी इज़ वेरी पर्टिकुलर कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी है। लेकिन आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने फिल्म का टाइटल सुनकर रिलेट कर लिया कि ये फिल्म तो मैं कर रही हूँ। पर
पता नहीं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो टाइटल भी नहीं रहा, तो आई थिंक पर फिल्म अच्छी बनी है, फिल्म अच्छी बनी है, इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग की फिल्म में इससे इन केस. वैसे कंगना ने जो है वो हमेशा से डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेमा किया है, हमेशा बहुत चैलेंज किया है, सुपर टाइटल रोल भी किए हैं, और उनको जो है कभी फिल्म में हीरो नहीं चाहिए होता है. अगर हीरो होता भी है तो वो दिखता नहीं है क्योंकि कंगना है फिल्म में. लेकिन क्वीन आई थिंक इज द ओनली फिल्म वेयर प्रॉब्ली समबडी रियली यू नो मे बी स्टूड आउट. नो ओके. वैसे कंगना आप मतलब आपकी हम फिल्मोग्राफी अगर देखें तो आपने उंगली की फिर आपने जजमेंटल है क्या की, फिर आप पंगा कर रही हैं, तो मतलब ये आप फिल्म्स कर रही हैं कि ये कुछ रियल लाइफ से कुछ इंस्पायर कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? ओके. बट ऑन अ वेरी वेरी जेन्युइन नोट, आई थिंक कंगना टेक्स अ स्टैंड ऑन एवरीथिंग व्हिच इज सो एडमायरेबल. सो कंगना ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट. मतलब इतना स्टैंड लेते हैं कि अब तो बॉलीवुड में भी वो जो है आउटस्टैंडिंग कह दी गई हैं. और यू नो एज दे से के व्हेन यू टच समथिंग इट बिकम्स गोल्ड, वेल विद कंगना दे से के व्हेन कंगना टचेस समथिंग it becomes a controversy. So, but don't be judgmental guys, kyunki ye sab jo yahan ho raha hai ye bhi aapko yahan bhi dekhne ko milega. But all I can say is it was such an honor to work with you Kangna, like always, and amazing. I love you man. Should the referee be back? Do you guys still want the stage? Yes, no, I think you can come back. Bahut ho gaya. Thanks. Is this the last event that you both are doing? Because I don't want to. I don't know if you want to see each other after this. Of course, we will. You will, right? Yeah. Kangna, were his points likable? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ये मुझे इससे भी ज़्यादा कहीं भद्दी घिनौनी बातें कहते हैं. हो. तो I don't mind because मैं मुझ में सहने की शक्ति बहुत है. कोई बात नहीं, मैं सह लूँगी. कड़वा घूट करके पी लूँगी. मैं आपके आगे दीवार बनके खड़ा रहूँगा कंगना. फिल्म में ऐसे कर रहे हैं तो क्या हुआ, रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी है. नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी जो हमारी इंडियन मीडिया है उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ. लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हर जगह अच्छे लोगों के साथ में कुछ बुरे लोग भी होते हैं. और जो मीडिया है उसने जितना मुझे प्रोत्साहित किया है, जितना मुझे प्रेरित किया है, इतने अच्छे सलाहकार, इतने अच्छे दोस्त जो मुझे मीडिया में मिले हैं, मैं कहूँगी कहीं ना कहीं मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनकी मैं हमेशा आभारी रहूँगी. लेकिन जो दीमक की तरह जो एक सेक्शन मीडिया का है जो हमारे देश में दीमक की तरह लगा हुआ है और उसको धीरे धीरे करके उसकी गरिमा को, उसके स्मिता को, देश की इंटेग्रिटी को, देश की एकता को आए दिन अटैक करता रहता है, आए दिन इनके जो भी है झूठी अफवाहें फैलाते रहते हैं, अपने गंदे भद्दे विचार, देशद्रोहिता के जो विचार हैं वो ओपनली सबके सामने रखते हैं, और इनके खिलाफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का कोई भी ना पेनल्टी है और ना ही कोई सजा है. आप तो इस चीज़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा ठेस लगी, और मैंने अपने आप में ही ये डिसाइड कर लिया कि ये जो दोगली मीडिया है, ये जो बिकाऊ मीडिया है जो खुद को लिबरल कहती है, सेक्युलर कहती है, और कुछ नहीं है, दसवीं फेल भी नहीं है ये लोग सूडो लिबरल हैं, और ये लोग बिल्कुल भी सेक्युलर नहीं है. अगर ये सेक्युलर होते तो हमेशा धार्मिक चीज़ों को लेके देश की एकता पर हमेशा प्रहार नहीं करते. ऐसे ही एक चिंदी से जर्नलिस्ट को मैं एक दो दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली, तो उसके उसी की तरह बहुत सारे लोग हैं जो जितने भी हमारे जो सीरियस इश्यूज हैं, हमारे जो सीरियस कॉजेज हैं. वर्ल्ड एनवायरनमेंट में डे के दिन मैंने प्लास्टिक बैन को लेके एक कैंपेन किया था, जिसमें मैंने प्लास्टिक के खिलाफ ईशा योगा सेंटर के साथ में काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ की थी. इस जर्नलिस्ट को मैंने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए देखा. फिर मैंने काउ स्लॉटर के अंगेंस्ट, एनिमल क्रूलिटी के अंगेंस्ट एक कैंपेन किया, उसका भी ये मजाक उड़ा रहा था. एक शहीद पे मैंने फिल्म बनाई, उसके नाम की खिल्ली उड़ा रहा है. और well, देखा आपने दोस्तों कि किस तरीके से इस फिल्म को लेकर कंगना पहले ही इस फिल्म के नाम को लेकर वाद विवाद में घिर चुकी थी. फिल्म का नाम हटाया गया, तो इसी बीच कंगना के पुराने रिलेशनशिप यानी ऋतिक रोशन को लेकर के खबरें वायरल हुई, वो भी खत्म हुआ. लेकिन अब एक बार फिर से प्रेस रिपोर्टर्स के साथ कंगना की बदतमीजी लेकर खबरें वायरल हुई थी, जिसमें कंगना थोड़ी बहुत नोकझोंक नजर आई कंगना की पत्रकारों के साथ. लेकिन इस बात ये बात कब तूल पकड़ लिया किसी को पता भी नहीं चला. खैर, अब आप सोच
सोच सकते हैं कि भाई जिस फिल्म के रिलीज होने से पहले इतना हंगामा हो गया है और उस फिल्म के रिलीज होने के बाद क्या बॉक्स ऑफिस पर ये हंगामा कर पाएगा। चलिए ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।